आपने कई तरीके के पकोड़े ट्राई किए होंगे, जैसे आलू, बैंगन, गोभी, प्याज, पालक, पर क्या आपने कभी छोले के पकोड़े ट्राई किए हैं? तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले के पकोड़े, तो चलिए शुरू करते हैं। तो छोले के पकोड़े बनाने के लिए हम बेसन की जगह सूजी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक बड़ा बर्तन सेट कर लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटोरी भरकर सूजी और उसी कटोरी से आधा कटोरी छाछ या दही डाल देंगे और आधा कटोरी डालेंगे पानी और इसको अच्छे से घोल लेंगे। अभी हमने आधा कटोरी छाछ और आधा कटोरी पानी डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा और पानी डालेंगे, लेकिन पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। बैटर को हमने घोल लिया है, 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे सूजी फूलने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम डालेंगे इसमें एक कटोरी भरकर उबले हुए छोले, एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, और अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें कुछ इस तरीके का घोल चाहिए। हमारा बैटर कुछ इस तरीके के कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो चलिए पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। मैं यहाँ सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। हाथ से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे, अगर आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। पकोड़े डालने से पहले तेल को अच्छे से गरम कर ले, अगर तेल थोड़ा भी ठंडा रहा तो हमारे पकोड़ों में तेल भर जाएगा। और जितने पकोड़े एक बार में कढ़ाई में आ जाएंगे डाल देंगे, और जैसे ही ऊपर से ड्राई हो जाए तो उनको उलट पलट कर अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी सा होने तक सेक लेंगे। हमारे क्रिस्पी से छोले के पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं, बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से। इन पकोड़ों को आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और एक बार आप मेरे कहने से घर पर जरूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।